डायनासोर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अपने इसी आकर्षण के कारण सन 1914 में पहली बार किसी फिल्म में एक डायनासोर को दिखाया गया था। ये एक मूक फिल्म थी जिसका नाम था ब्रूट फोर्स। इस फिल्म के बनने के बाद डायनासोरों को लेकर कई फिल्में तथा एनिमेशन सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन सन 1993 में रिलीज हुई फिल्म जुरासिक पार्क ने डायनासोरों के प्रति लोगों के नज़रिए को बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें प्री हिस्टोरिक एज को बारीकी से दिखाया गया था। दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो आज हमारे दिमाग में डायनासोरों की वैसी ही छवि बनी हुई है जैसी हमने जुरासिक पार्क में देखी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ से सवाल ये उठता है कि क्या सच में हम डायनासोरों को फिर से विकसित कर सकते हैं, और क्या कभी निकट भविष्य में हम फिर से डायनासोरों को देख पाएंगे? हमारे आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। मगर दोस्तों, इससे पहले, अगर आप भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर हम डायनासोरों को फिर से विकसित करने की तकनीक बना लेते हैं और ऐसा मुमकिन हो जाता है तो सोचिए वह दृश्य कितना विहंगम होगा जब एक इमारत के आकार के जीव धरती पर इंसानों के साथ रह रहे होंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? इसका जवाब दिया है अमेरिकन पेलिनाटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर ने। हॉर्नर वही वैज्ञानिक हैं जो कि जुरासिक पार्क मूवी के लिए साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं। उन्होंने मच्छर से डायनासोर के खून को निकालने और फिर उसमें से डीएनए डिस्ट्रैक्ट करके डायनासोर क्लोन बनाने वाली थ्योरी को सिरे से नकार दिया है। जैक हॉर्नर बताते हैं कि किसी जीव की मृत्यु के बाद उसका डीएनए डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है और यह प्रक्रिया लगभग 5,500 साल तक चलती रहती है। लेकिन अगर कुछ खास कंडीशंस में डेड बॉडी को स्टोर किया जाए तो कुछ मिलियंस ईयर तक डीएनए को प्रिजर्व किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैमथ। आज के समय में हमें कई मैमथ्स के अवशेष मिले हैं जो कि बर्फ में दबे होने के कारण काफ़ी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन डायनासोरों के अवशेषों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसी कारण वैज्ञानिक अभी तक किसी भी डायनासोर का डीएनए नहीं खोज पाए हैं। मगर इसके अलावा जैक हॉर्नर एक अलग थ्योरी को तवज्जो देते हैं। जैक बताते हैं कि हम सोचते हैं कि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, मगर पक्षी डायनासोरों का ही विकसित रूप है। उनके अनुसार हम एक मुर्गे या किसी पक्षी को एक डायनासोर में तब्दील कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डायनासोर के डीएनए का प्रयोग किए हुए। उन्होंने बकायदा उस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाया है। हॉर्नर बताते हैं कि हमारा रंग रूप आकार कद सब डीएनए और जीन्स के कारण ही विकसित होते हैं। हमारे जीन्स ही हमें अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं और उन्हीं में वह जानकारी है जो हमने अपने लाखों साल के क्रमिक विकास के दौरान सीखी है। उदाहरण के लिए, आपने कभी ना कभी सुना होगा या पढ़ा होगा कि कोई बच्चा पूंछ के साथ पैदा हुआ है। एक बच्चे के पूंछ उगने के पीछे एक अनोखा विकार है जिसे हम एटाविज्म एक्टिवेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे अंदर एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पूर्वजों की विशेषताएं पैदा होती हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे एंसेस्टर कौन थे। ये सब हमारे जीन्स का ही कमाल होता है। ज़्यादातर ये प्रक्रिया प्राकृतिक होती है और हॉर्नर का मानना है कि अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से चिकन्स के एंसेस्टर कैरेक्टरिस्टिक वाले जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो हम चिकनोसोरस बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एटाविज्म एक्टिवेशन के जरिए येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने एक चिकन एम्ब्रॉय को चोंच की जगह दांत उगाकर दिखाया है। सच में जुरासिक पार्क बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। हॉर्नर बताते हैं कि बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन की इस तकनीक के जरिए हम भविष्य में डायनासोरों को देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये काफ़ी पेचीदा प्रक्रिया है और हमें हर उस जीन्स का पता लगाना पड़ेगा जो कि एक चिकन या किसी पक्षी को उनके एंसेस्टर्स यानी कि डायनासोर्स में विकसित करने में मदद कर सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण हॉर्नर को लगता है कि आने वाले 20 या 30 वर्षों में हम डायनासोरों को फिर से विकसित कर पाएंगे। और अगर हम एक पक्षी से डायनासोर को विकसित करने में सफल हो जाते हैं तो ये चिकित्सा विज्ञान में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कई अनुवांशिक बीमारियों का इलाज ढूंढ पाएंगे। दोस्तों आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं और वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।